तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक वाणी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक होने वाला है ब्लैक पैंथर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चैडविक बोसमैन, जो कि ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करते थे, उनका पिछले साल कैंसर के चलते देहांत हो गया था। वो काफ़ी लंबे समय से कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे, पर आखिरकार कैंसर की जीत हो गई और दुनिया से एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर चला गया। जब से चैडविक बोसमैन की डेथ हुई है, तब से सभी लोग यही स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि अगला ब्लैक पैंथर कौन होगा। चैडविक बोसमैन की डेथ के बावजूद भी ब्लैक पैंथर को ज़्यादा डिलेज फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बात मार्वल स्टूडियोज ऑलरेडी कन्फर्म कर चुका है। बल्कि यही नहीं, केविन फाइगी, जो कि मार्वल के प्रेसिडेंट हैं, वो ये बात ऑलरेडी कन्फर्म कर चुके हैं कि वो ब्लैक पैंथर को नहीं बदलेंगे। केविन फाइगी ने कहा था कि चैडविक बोसमैन ने जो टचाला का पोर्ट्रेल किया था, वो सभी मीडियम्स में बेस्ट था, इसीलिए वो कभी भी टचाला के रोल के लिए किसी और एक्टर को कास्ट नहीं करेंगे। यानी कि टचाला के रोल के लिए किसी और एक्टर को कास्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि टचाला के रोल के साथ मूवी में क्या होगा। मूवी प्रोड्यूसर विक्टोरियो अलोंसो भी ये बात ऑलरेडी बता चुके हैं कि टचाला के रोल के लिए किसी भी सीजीआई कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि टचाला के कैरेक्टर को पूरी तरीके से ब्लैक पैंथर 2 में से हटा दिया गया है। तो अब बात ये आती है कि अगर टचाला का कैरेक्टर नेक्स्ट मूवी में ब्लैक पैंथर नहीं होगा, तो ब्लैक पैंथर 2 में आखिरकार ब्लैक पैंथर होगा कौन। ब्लैक पैंथर की फ्रेंचाइज में ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि ब्लैक पैंथर बन सकते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है एम्बाकू का। एम्बाकू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने हमेशा ही टचाला की मदद करी है। ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था कि एम्बाकू और टचाला, इन दोनों की ट्राइब्स में डिफरेंसेस थे, पर इसके बावजूद भी एम्बाकू ने आकर टचाला की मदद करी थी और थ्रोन को बचाया था। यही नहीं, एम्बाकू कई बारी और भी टचाला की मदद कर चुका है, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर में। एवेंजर्स एंड गेम में भी हमने देखा था कि एम्बाकू टचाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टचाला स्नैप की वजह से गायब हो गया था। तो अब बात ये आती है कि इन 5 सालों में वकांडा का किंग कौन था। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि एम्बाकू ने ही वकांडा को संभाला होगा, भले ही वो एक ऑफिशियल किंग ना रहा हो, पर मुझे लगता है कि किंग की सभी ड्यूटीज एम्बाकू ने ही निभाई होंगी। अगर ऐसा नहीं भी हुआ था तो ऐसा दिखाया जा सकता है, क्योंकि उस बारे में मार्वल ने हमारे को कोई भी क्लैरिटी नहीं दी थी। मेरे हिसाब से एम्बाकू ब्लैक पैंथर का एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट बन सकता है। ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करने के लिए दूसरा कैरेक्टर जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, वो है शूरी। शूरी टचाला की बहन है, यानी कि वो रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करती है। और अगर रॉयल फैमिली में से टचाला के जाने के बाद कोई ब्लैक पैंथर बन सकता है, तो उसके लिए इकलौता ऑप्शन सिर्फ शूरी ही है। शूरी का कैरेक्टर मार्वल की कॉमिक्स में भी ब्लैक पैंथर का रोल प्ले कर चुका है, इसी वजह से शूरी के ब्लैक पैंथर बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि शूरी का कैरेक्टर काफी यंग है और वो ब्लैक पैंथर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाल सकती। एक इकलौती बात जो कि शूरी के फेवर में नहीं है, वो ये है कि वो कॉम्बैट नहीं कर सकती, पर शूरी कुछ समय में कॉम्बैट करना सीख सकती है, भले ही वो ब्लैक पैंथर 2 तक ना हो पाए। और इसी वजह से हो सकता है कि ब्लैक पैंथर 2 में शूरी ब्लैक पैंथर ना बन पाए। पर ये बात तो कन्फर्म है कि शूरी ब्लैक पैंथर का रोल आज नहीं तो कल प्ले करेगी, या तो नेक्स्ट एवेंजर की मूवी में या फिर यंग एवेंजर्स में, जिसका सेटअप ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक और फीमेल कैरेक्टर जो कि ब्लैक पैंथर बन सकती है, वो है नाकिया। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि नाकिया ब्लैक पैंथर कैसे बन सकती है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि टचाला और नाकिया, ये दोनों आपस में प्यार करते थे। तो मूवी में ये दिखाया जा सकता है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी, जिसके बाद टचाला यानी कि ब्लैक पैंथर गायब हो गया। और पूरी की पूरी मूवी इसी सिनेरियो के आसपास घूम सकती है कि ब्लैक पैंथर आखिर गया कहां, और उसके बाद नाकिया को किंग की जगह लेनी पड़ी और वकांडा की क्वीन बनना पड़ा, और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालनी पड़ी, जिनमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लैक पैंथर बनने की भी है। और दोस्तों, ये बात हम नहीं भूल सकते कि क्वीन रमांडा ने भी नाकिया को ही ब्लैक पैंथर बनने के लिए चूज किया था, जब टचाला फर्स्ट मूवी में हार गया था। अब दोस्तों, हम आते हैं नेक्स्ट और फाइनल कैंडिडेट पर, जो कि है माइकल बी जॉर्डन, जिन्होंने एरिक किलमोंगर का रोल प्ले किया था। आप सभी को याद होगा कि ये फर्स्ट मूवी के विलन थे और इन्होंने ही टचाला को हराया था, और इसके बाद पूरे के पूरे विकांडा पे कब्जा कर लिया था। पर एक और बात जो कि आपको याद होगी, वो ये है कि एरिक किलमोंगर मूवी के एंड में मारा गया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक पैंथर कैसे बन सकता है। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि कॉमिक्स और मार्वल की दुनिया में किसी भी कैरेक्टर का मरकर वापस आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात भी हम सभी जानते हैं कि वकांडा की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, तो हो सकता है मूवी में इस तरीके से दिखाया जाए कि टचाला ने किसी तरीके से किलमोंगर को बचा लिया होगा। एरिक किलमोंगर टचाला का कजन है, तो यानी कि वो रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करता है। यानी कि टचाला के जाने के बाद किलमोंगर भी वकांडा का किंग बन सकता है। पर ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट मूवी के एंड में किलमोंगर मारा गया था या वो जिंदा बच गया था। ये सभी के सभी कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से मूवी की फ्रेंचाइज को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को कोई बिल्कुल ही नया कैरेक्टर ब्लैक पैंथर रोल प्ले करते हुए दिख जाए। मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप किस कैरेक्टर को ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करते हुए देखना चाहेंगे। मुझे नीचे कमेंट में ये भी बताइएगा कि अगर आपके दिमाग में कोई और ऑप्शन हो जो ब्लैक पैंथर का रोल प्ले कर सकता हो। और ऐसी ही वीडियोस आगे भी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।